हेलो गाइस, वेलकम टू क्वीन रजनी व्लॉग्स। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर इतने दिनों तक थी कहाँ। मैं बता दूँ कि मैं किसी चीज़ में बिजी थी, जिस वजह से मुझे व्लॉग्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अब मैं आ चुकी हूँ, तो वीडियो बनाने वाली हूँ, व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे, तो आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियोज़ के साथ। और हाँ, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का वीडियो सरप्राइज है। हम कहीं जा रहे हैं और ये हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हम कहीं जाने वाले हैं, तो आगे बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। तो लो भाई, आखिर हम लोग पहुंच चुके हैं, चलो उतरो उतरो। और ये है लगेज कन्वेयर बेल्ट या बैगेज कन्वेयर बेल्ट। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या बताने वाली बात है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि मैंने जब एयरपोर्ट कभी नहीं देखा था ना, तो मुझे इन सारी चीज़ों का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा होता है ना, तो उनके लिए सारी चीज़ नहीं होती है, तो उन्हें अच्छा लगता है। और जो बिल्कुल भी कभी नहीं देखा होता है, तो उन्हें तो इंटरेस्टिंग लगेगा ही ना। तो ये उन लोगों के लिए है, आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते ये उनके लिए है। तो एयरपोर्ट कुछ अंदर से ऐसा होता है, बहुत सी जगह तो वीडियो शूट नहीं करने देते हैं वो लोग। और ये सीधा बादलों के बीच हम पहुंच चुके हैं, बादलों के ऊपर। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, और मुझे तो देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इतनी मशगूल हो गई देखने में, मतलब खो गई हूँ, कि मैं ये तक भूल गई कि वीडियो मैं वर्टिकली ले रही हूँ। गलती, देखो ना, गलती कर दिया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। वैसे बहुत ज़्यादा सर चकरा रहा है ऊपर, जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो पेट में पता नहीं अजीब अजीब लग रहा है, सर भी चकरा रहा है, ऐसा लग रहा है उल्टी होने वाली है यार, पता नहीं। अजब सी फीलिंग है ये। आप लोग आपकी फीलिंग्स भी मेरे साथ शेयर करना कमेंट में, जब आप लोग भी अगर कभी फ्लाइट में गए होंगे तो कैसा रहा आपका सफ़र। और ये हम पहुंच चुके हैं मोपा एयरपोर्ट गोवा का। ये न्यू है, अभी 5-6 महीने पहले ही ओपन हुआ है। और यहाँ से हमने कार रेंट से लिया है, ताकि लास्ट टाइम का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ का लोकल ऐप है जो टैक्सी का, वहाँ पे टैक्सी टाइम पे मिलती भी नहीं है। एक तो जहाँ हमें जाना होता है टाइम पे हम पहुँच नहीं पाते हैं, और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसलिए इस बार इसका आइडिया लिया है। क्योंकि काफ़ी दोपहर हो चुकी है, तो इस वक्त समुंदर की ओर जाना ठीक नहीं लग रहा था, बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे, तो स्विमिंग पूल में ही चिल करने का सोच लिया था। थोड़ी देर इसके बाद हम लोग कुछ खा लेते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही 5-5:30 बजे
चापोरा फोर्ट के बाद डायरेक्ट हम आ चुके हैं बागा बीच। यहाँ हम करने वाले पैरासेलिंग। ये मेरा फर्स्ट एडवेंचर रहेगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और डरी हुई भी हूँ। बहुत मज़ा आया गाइस, सीरियसली बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग भी जाओगे तो वाटर राइड्स ज़रूर करना। हमने सिर्फ पैरासेलिंग किया है और कुछ नहीं किया है, और ये मेरा ड्रीम था और ये मैंने कर लिया है। मुझे अच्छा लग रहा है। और ये हम आ गए हैं बिग डैडी कैसीनो। ये लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ कुछ देखी है और मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है और मुझे ड्रीम वर्ल्ड में आ गए जैसा लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये सिर्फ मैंने मूवीज़ में ही देखा था और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं ये देखने वाली हूँ। बट अच्छा लग रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो बट गाइस, मैं आप लोग को कैसीनो के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। ये तो बस ऐसे ही फन करके लोग आते हैं, बट पैसा वेस्ट होता है, कुछ नहीं है। म्यूज़िक का एंजॉय करते हैं लोग और वहाँ पे खाना फ्री होता है। फ्री मीन्स हमने जितना कॉस्ट लगा के वहाँ पे आए हैं उसमें ही हमें वहाँ पे अनलिमिटेड खाना होता है, अनलिमिटेड ड्रिंक्स होते हैं, फ्री में हमें म्यूज़िक का आनंद लेने को मिलता है। और म्यूज़िक वगैरह होने के बाद अगर लोग जो गेम खेलना चाहते हैं ऊपर जाके वो गेम खेल सकते हैं। बट उन्हें जैसे पर टिकट उन्हें 2 कॉइन्स मिलते हैं 500 500 के। और वैसे हम दो ही लोग गए थे तो हम दोनों को कुल मिला के 4 कॉइन्स मिले थे। तो उस पर से ही हम गेम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो चाहते हैं कि और भी गेम खेलें तो वो और एक्स्ट्रा पैसे लगा के गेम खेलते भी है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो जीतेगा करके। तो आप लोग फन करने के लिए जा रहे हो तो ये सब करना तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी। बस देखने जाइए, खाने का मतलब खाने का मज़ा लीजिए, म्यूज़िक का मज़ा लीजिए, ड्रिंक्स लीजिए, कुछ भी जो आप इन्जॉय करना चाहते हो, बट गेम्स खेल के अपना पैसा मत लुटाइए, बिल्कुल भी मत लुटाइए। गाइस बस दिल थाम के बैठिए, अभी मैं आप लोग को लाइन से कैसीनोज़ दिखाने वाली हूँ। हाँ, कैसीनोज़, मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो, ये रहा पहला कैसीनो। और ये सारे कैसीनोज़ पणजी में हैं, गोवा के पणजी में हैं और लाइन से है, मतलब एक के थोड़े डिस्टेंस पे दूसरा भी मिल जाएगा आप लोग को। ये छोटे शिप से बड़े शिप में लेके जाया जाता है यहाँ। और अंदर तो वीडियो शूट नहीं करने देते हैं वो लोग, लेकिन अगर पॉसिबल रहेगा तो थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करके आप लोग को अंदर का भी दिखा दूँगी। और हमें इसमें नहीं जाना है, हमें तो जाना है बिग डैडी कैसीनो में। ऐसे बहुत सारे कैसीनोज़ दिखेंगे, ये मैं आप लोग को दिखाने के लिए शूट कर रही हूँ बस। तो एक बार मैं और कहना चाहूँगी गाइस, यदि आप लोग को सिर्फ एंजॉय करना है, फ़न करना है, उस लिए कैसीनो आना चाहते हो तो ये उसके लिए ठीक है। लेकिन आप लोग यदि बेट लगाने के लिए या फिर जो भी मतलब कैसीनो में खेलने के लिए आना चाहते हो तो ये तो मैं नहीं कभी रेकमेंड करने वाली आप लोगों को। और हाँ, अगर आप लोगों को जो फ्री कॉइन्स मिलते हैं आपके टिकट के ऊपर 2 कॉइन्स मिल रहे पर हेड, तो आप लोग अगर गेम खेलते भी हो ना तो थोड़ी देर वहाँ पे रुक के कोई कैसा खेल रहा है वो देखो, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, फिर उसके बाद ही खेलना। हो सकता है आप लोग जीत भी जाओ थोड़ा बहुत, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि आप लोग, क्योंकि वो गेम ही ऐसा होता है, एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनाया जाता है। वो लोग मतलब इतना मतलब माइंड को रीड करने लगते हैं वो लोग, वहाँ के लोग तो वो लोग खेलने के लिए भी उकसाते हैं। मतलब जिस तरीके से वो लोग ट्रीट करते हैं सामने वाला बंदा, और खेलने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग खेलना तो नहीं चाहते लेकिन थोड़ा थोड़ा जीतने लगते हैं तो उन्हें मतलब। और हाँ, ये हम पहुँच गए बिग डैडी कैसीनो। तो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी मैं जो कह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम कैसीनो में खेलना तो नहीं चाहते, बट वहाँ जाने के बाद वो इंटरेस्ट आ ही जाता है लोगों को खेलता हुआ देख के। या फिर गलती से यदि हम थोड़ा जीतने लग गए तो थोड़ा सा और मज़ा आने लगता है। और यहाँ पर हम खाने का मज़ा लेने वाले हैं, ये अनलिमिटेड खाना रहने वाला है सबके लिए। और इसके बाद हम म्यूज़िक का भी इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। Yeah.
गाइस, ये था मेरा गोवा टूर। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग गोवा जाने का प्लान कर रहे हो रिसेंट में तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग को गोवा से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो मुझसे तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। गुड नाइट।